सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वॉच माय चैनल स्वल का क्रिएशन। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडियो के लिए इस तरीके का बैनर कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उसके लिए आपको पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ से ये न्यू टेक्स्ट डिलीट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको इमेज साइज में जाना है एंड इसकी साइज को आपको 7:16 रख देनी है। एंड उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड शेप में जाना है। एंड यहाँ से आपको एक शेप ले लेना है एंड इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। एंड उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद इसके कलर को ब्लैक रख देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से स्ट्रोक को ऑन कर लेना है एंड इसको वाइट पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से इसकी साइज को 9 तक रख देना है। एंड उसके बाद आपको वापस यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको वापस शेप लेना है। शेप लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है एंड इसके कलर को भी आपको ब्लैक कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड तीनों को आपको मिला लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इरिस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। एंड इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ से ये वाला लोगो सेट कर लेना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ से इरिस कलर में जाना है एंड इसके कलर को यहाँ पे लेके इसको यहाँ से छोड़ देना है यहाँ पे और राइट क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपने हिसाब से कलर को अपने हिसाब से सेट कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड यहाँ से इसको ये वाला बैकग्राउंड आपको ले लेना है। एंड उसके बाद आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से अपने चैनल का नेम टाइप कर लेना है। एंड इसको थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद आपको फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से ये वाला फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद आपको नीचे जाना है एंड यहाँ से इसको आधे यहाँ पे लेके आना है इसको एंड यहाँ से इसको कलर को ये वाला कलर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक कर एंड उसके बाद आपको आगे जाना है एंड यहाँ से आपको शेडो को ऑन कर लेना है, शेडो को फुल कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड में अपने इंस्टाग्राम की आईडी डाल देनी है। यहाँ पे अपने को टाइप करना है इंस्टाग्राम। एंड उसके बाद आपको यहाँ से फ्रंट में जाना है। फ्रंट में जाने के बाद आपको ये वाला फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका कलर भी कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। एंड उसके बाद शेडो भी इसका ऑन कर लेना है एंड इसको 50 तक बढ़ा लेना है एंड इसको अपने हिसाब से जूम कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है एंड उसके बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर सभी लेयर को मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, अल्ट्रा एचडी में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, इसके बाद अपन चेक करते हैं बैनर कैसा बना।
तो गाइस हमारा बैनर बन गया है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।